नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन वर्मा। आज मैं डीएलएड के 504 का ब्लॉक 2 यूनिट 8 के प्रश्नों को लेकर आया हूं, जिसमें आपको माध्य, माध्यक, बहुलक, पाई चार्ट वगैरह पढ़ने का है। लेकिन मैं इस वीडियो में सब कुछ तो नहीं कर पाया हूँ, लेकिन माध्य, माध्यक किया हूँ। आप देखिए, आने वाले वीडियो में बहुलक और माध्यक का छुटा हुआ भाग, पाई चार्ट बहुत जल्द लेके आऊँगा। दोस्तों, ये निश्चित रूप से आपका महत्वपूर्ण यूनिट है और इससे प्रश्न रहने की संभावना ज़्यादा है, इसलिए इसको ध्यान से आप देखें। सबसे पहले हम लोग अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालेंगे। माध्य निकालने के लिए आपको सिंपल सा है, जो प्रश्न में प्रेक्षण अंक दिया गया है उसको जोड़ देना है और प्रेक्षणों की संख्या नीचे लिखना है। ऊपर में जोड़ना है और नीचे लिखना है। चलिए हम एक उदाहरण के द्वारा इसको हम क्लियर करते हैं। यहाँ उदाहरण है, किसी एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में धोनी ने 33, 17, 60, 25 तथा 45 रन बनाए। उसका रनों का माध्य स्कोर प्रकलित कीजिए। दोस्तों, माध्य के लिए मैंने फार्मूला बताया कि प्रेक्षणों का योग करना है, तो यहाँ पर रन दिया हुआ है, यहाँ रनों का योग मतलब कुल रन कितना हुआ, सभी को जोड़ेंगे तो कुल रन कितना हुआ, और मैचों, यहाँ कितना मैच खेला, मैचों की संख्या यहाँ पर लिखना है। तो सभी के बीच में हम प्लस का चिन्ह लगा दिए जोड़ने के लिए, और यहाँ हम देख रहे हैं कि पांच मैच है, पांच नीचे दे दिया, सभी को जोड़ दिया 180, और पाँच से, ये चूंकि मैचों की संख्या पाँच है इसलिए पाँच से यहाँ पर फिर भागा दिया, 36 आया। तो जब इस तरह का यह वर्गीकृत रहेगा और इस तरह का सीधा सा रहेगा, तो सभी को आपको जोड़ देना है। क्या करना है, जोड़ देना है, और जितना ये रहेगा वो गिन लेना है, उससे संख्या देना है। यहाँ उसकी संख्या देना, भागा लगा देना है। भागा देने के बाद जो आएगा वो आपका माध्य हुआ। माध्य निकालने के लिए कोई टेंशन नहीं, सभी को जोड़िए। माध्य निकालने के लिए यदि आप औसत जैसा निकालते हैं, उसी तरह जस्ट लाइक ये औसत है। माध्य का दूसरा नाम औसत भी कहा जाता है। सभी को जोड़ दीजिए और जितना है उससे भागा दे दीजिए। तो ये वर्गीकृत का हम लोग देखते हैं। वर्गीकृत यदि रहेगा तो कैसे निकालेंगे, ये देखिए वर्गीकृत है। तो वर्गीकृत का निकालने के लिए ये प्रश्न है मेरा, यहाँ लिखा हुआ निम्नलिखित बंटन का माध्य प्रकलित करिए। इसमें निकालने के लिए एक तीसरा नया चीज की जरूरत पड़ता है, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु क्या है उसको पहले क्लियर कर लीजिए, फिर हम लोग इसको बनाने शुरू करेंगे। मध्य बिंदु, आप ये जो वर्ग अंतराल देख रहे हैं ऊपर, 10 से 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये जो भी रहे, ये एक को, ये दोनों को जोड़ देना है। एक वर्ग अंतराल के ऊपरी सीमा और निम्न सीमा, छोटा को निम्न सीमा, बड़ा को उच्च सीमा बोलते हैं, ये दोनों को जोड़ देते हैं और दो से भागा यानी आधा कर देते हैं। 20 और 30, 50 को आधा करिए 25, इसका मध्य बिंदु होगा। सभी का इसी तरह से निकालना पड़ता है, तो इसको कहते हैं मध्य बिंदु। ये आपको बंटन का, इस तरह का बंटन जब रहेगा उसका माध्य जब आप निकालेंगे तो मध्य बिंदु आपको निकालना पड़ेगा। तो मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, जो वर्ग अंतराल रहेगा वो दोनों को जोड़ देते हैं और उसका आधा कर देते हैं, मतलब दो से भागा दे देते हैं। यहाँ पर देखिए, दोनों को जोड़ेंगे तो 10 होगा, 10 का आधा करेंगे 5 होगा, इसका मध्य बिंदु 5 होगा। यहाँ पर 10 और 20 है तो 10 और 20 को जोड़ेंगे
दस और बीस होगा तीस, तीस का आधा करिए या दो से भागा करिए, आधा करेंगे पंद्रह होगा, तो इसका मध्यबिंदु पंद्रह हुआ। इस तरह से मध्यबिंदु आपको निकालना है जो आपको बंटन का माध्य निकालते समय काम आएगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहले आपको इस तरह का चार कॉलम बना लेना है। पहला कॉलम में वर्गांतराल लिखना है, दूसरा कॉलम में बारंबारता लिखना है, तीसरा कॉलम में मध्यबिंदु और चौथा में एफ एक्स यानी एफ गुने एक्स। वर्गांतराल आपका प्रश्न में दिया रहेगा, बारंबारता आपका प्रश्न में दिया रहेगा, इसको आपको लिख देना है। ये दो चीज प्रश्न का दिया हुआ है, ये आपको कहीं से ढूंढना नहीं है, प्रश्न में जो सीधा ऐसे लिखा हुआ था उसको सीधा अब ऐसे लिख देना है। और जीरो से दस का पाँच यहाँ पर वर्गांतराल दिया हुआ था, देखिए ये वर्गांतराल ऐसे था, इसको हम लोगों ने सीधा कर दिया और इसके सामने जितना उतना लिख देना, इसके सामने जितना वो प्रश्न में दिया हुआ है, इसको यहाँ पर इस तरह से प्रश्न में जो दिया हुआ रहेगा ये दोनों को लिख देना है। ये दोनों कहाँ से आया? प्रश्न से। ये दोनों को आपको कहीं से खोजना नहीं है, ये प्रश्न से लिखा हुआ रहेगा। ये दोनों समझ में आ गया। अब चलिए मध्यबिंदु कहाँ से आएगा? तो मध्यबिंदु मैंने बताया इसके पहले कि दोनों को जोड़ करके दो से भागा दीजिए या दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, एक ही चीज़ है। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो दस हुआ, दस का आधा किए तो पाँच हुआ, दोनों को जोड़े तीस हुआ, तीस का आधा किए पंद्रह हुआ, दोनों को जोड़े पचास हुआ, पचास का आधा पच्चीस। इस तरह से यहाँ से यहाँ तक सबके सामने लिख देना है। मध्यबिंदु क्लियर हुआ? मध्यबिंदु के लिए ये दोनों को जोड़ेंगे और आधा करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आता है एफएक्स। एफएक्स मतलब ये देखिए एफ कहलाता है फ्रीक्वेंसी और ये एक्स कहलाता है। ये दोनों को गुना करना, ये दोनों कॉलम को, इस कॉलम में जो रहेगा और इस कॉलम में जो रहेगा, ये दोनों को गुना करके यहाँ पर लिखते जाना है। ये दोनों कॉलम को गुना करके यहाँ पर लिखते जाना है। ये दोनों कॉलम को गुना करके यहाँ पर लिखते जाना है। ये दोनों को गुना करना है और उसके सामने वाले कॉलम में लिखते जाना है। गुना कर दिया, पहला काम कि ये प्रश्न से लिखा, ये भी प्रश्न से लिखा, मध्यबिंदु निकालने के लिए दोनों को जोड़ करके आधा करके यहाँ लिखना है। ये काम होने के बाद ये काम में ये दोनों को गुना करके यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद सिग्मा करना है। सिग्मा मतलब पूरे का योगफल करना है। ये पूरे का योगफल 33 हुआ, ये पूरे का योगफल आपका 915 हुआ, यहाँ पर आपको लिख लेना है। उसके बाद माध्य का फार्मूला बिठाइए। सिग्मा एफ एक्स मतलब ये पूरे का टोटल, सिग्मा मतलब पूरा जोड़ा हुआ, बटे सिग्मा एफ, ये जितना ये जोड़ करके आया इसको ऊपर लिखिए, बारंबारता को जोड़ के रखे हैं उसको नीचे रखिए और जस्ट भागा दे दीजिए, जो आएगा वो आपका उत्तर हुआ। तो क्या करना है फिर से मैं बता देता हूँ। ये प्रश्न से उतार देना है, इसको भी प्रश्न से उतार देना है। ये प्रश्न से दोनों उतार दिया। अब मध्यबिंदु निकालने के लिए मान लीजिए इसका मध्यबिंदु निकालना है, दोनों को जोड़ दीजिए और आधा करिए, 40 और 50 90, 90 का आधा 45, यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद इसके दोनों को लिखने के लिए ये दोनों को गुना करके यहाँ लिखिए, ये दोनों को गुना करके यहाँ लिखिए, ये दोनों को गुना करके यहाँ लिखिए। इस तरह से गुना करने के बाद सभी को जोड़ के यहाँ लिख दीजिए और बारंबार तक जोड़ के यहाँ लिख दीजिए। माध्य निकालने के लिए जो ये एफ एक्स आया इसको ऊपर रखिए और जो एफ आया उसको नीचे रखिए, भागा दे दीजिए। इसको आपको स्वयं करना है, ये स्वयं करके इसका उत्तर हमें बताइए आप कमेंट में। आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा, इसको बना करके कमेंट में आप इसका आंसर दें। ये आपके लिए प्रश्न है, आपने क्या किया, नहीं किया, कैसे किया, बना करके और आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब इसके बाद माध्य पूरा हो गया,
उसके बाद आता है माध्यक। माध्यक आपको निकालने के लिए जो आंकड़ा दिया हुआ रहेगा, यदि यह वर्गीकृत आंकड़ा है उसका आज मैं चर्चा कर रहा हूँ, वर्गीकृत का नहीं, वर्गीकृत का अगले वीडियो में कर पाऊंगा। तो यह वर्गीकृत में सबसे पहले आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम, सबसे पहले छोटा संख्या, उसके बाद उससे बड़ा संख्या, उसके बाद उससे बड़ा संख्या, और अंत में इस तरह से सबसे बड़ा संख्या लिखते जाते हैं। आपको इस तरह से क्रम में पहले लिख लेना है। लिखने के बाद उसको हम देखेंगे कि बीचों बीच में कौन है। मान लीजिए सात यहाँ पर है, सात आंकड़ा कोई भी, तो इधर तीन हम छोड़ देंगे, इधर तीन, सातवां ये बीच वाला जो है ये आंसर हो जाएगा माध्यक। यदि सम संख्या रहेगा, यहाँ मान लीजिए आठ दिया हुआ है, प्रेक्षण आठ प्रेक्षण है, वैसा कैसे बनाएंगे आगे देखते हैं। अर्थात जब प्रेक्षण विषम हो तो उसका फार्मूला निकला हुआ है कि एन प्लस वन प्रेक्षण का माध्य को आधा कर देना है। जब एन प्रेक्षण की संख्या, और जब सम संख्या रहेगा तो एक बटे दो एन बटे टू वा प्रेक्षण प्लस एन प्लस एन बटे टू प्लस वा प्रेक्षण, ये दोनों को जोड़ देते हैं और दो से भागा दे देते हैं। उदाहरण से स्पष्ट करिए, किसी एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारतीय टीम द्वारा बनाए गए रन हैं, ये बनाया हुआ है। सबसे पहला काम है इसको आरोही क्रम में लिखना, इसको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में लिख दिया, जीरो दो आठ दस अठारह, इस तरह से मैंने लिख दिया। अब इसको गिनिए कितना है, एन है ग्यारह, ग्यारह है। यदि हम आगे पूरा ये स्टेप बाय स्टेप नहीं करना चाहते हैं तो ग्यारह है तो बीच में कोई ना कोई रहेगा, यानी पाँच हमको इधर छोड़ना पड़ेगा और पाँच इधर आप छोड़ दीजिए। देखिए ये बीचों बीच में आ गया, बीचों बीचों बीच में, जब बीचों बीच में जो रहेगा उसको उत्तर में हम लोग लिखते हैं। इधर भी छोड़ देंगे, इधर भी छोड़ देंगे, ये बीचों बीच वाला, तो बीचों बीच वाला इस तरह से उत्तर एक नंबर का रहेगा, तो आप तुरंत टिकआउट कर लेंगे। आरोही क्रम में लिखिए और तुरंत टिकआउट। लेकिन इसको बना के दिखाने का रहेगा तो इसको लिखिए, माध्यरण बराबर एक बटे दो एन प्लस वन प्रेक्षण का मान, एन हुआ ग्यारह, यहाँ ग्यारह दिए, ग्यारह प्लस एक, ग्यारह प्लस एक बारह हुआ, बारह को दो से भागा देंगे छः होगा। आज छठा नंबर वाला हमको निकालना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा, छठा में बाईस है, ये उत्तर हो गया। आगे चलते हैं, उदाहरण दूसरा है, कक्षा के 10 विद्यार्थियों को की आयु वर्षों में ये दिया हुआ है, माध्यक आयु ज्ञात कीजिए। सबसे पहला काम हम बताएं आरोही क्रम में लिखिए, आरोही क्रम में लिख दिया। यहां पर एन है 10, यानी सम है, सम है तो इसका फार्मूला होता है, देखिए यदि वैसे हम बिना फार्मूला बनाएंगे तो बीच वाला दो, इधर भी चार छोड़ दीजिए, इधर भी चार छोड़ दीजिए, बीच में दो हुआ, बारह और तेरह, ये दोनों को जोड़ के दो से भागा दीजिए, बारह तेरह पच्चीस और दो से भागा देंगे तो जो होगा वो आपका देखिए उत्तर। यदि इसको स्टेप बाय स्टेप लिखना चाहेंगे तो ये फार्मूला पहले लिखिए, यानी यहाँ दस है तो 10 बटे दो पाँच, पाँच नंबर में आया, n बटे टू प्लस वन, एन बटे टू प्लस वन वहाँ परेक्षण, यानी ये हुआ। अब इसको दोनों को जोड़ दीजिए और दो से भागा, ये आपका उत्तर निकल गया। दोस्तों आप सभी जान रहे हैं कि मेरा एक MCQ टेस्ट सीरीज चल रहा है, ये लगातार 504, 505 के प्रश्नों का चलेगा और ये अंत तक, जब तक परीक्षा ख़त्म नहीं हो जाएगी तब तक चलेगा। प्रत्येक दिन रात्रि के रात के साढ़े आठ बजे ये YouTube पर वीडियो अपलोड होता है, इसको देखना ना भूलें। और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि दो चार दिनों के बाद लाइव
आने का और आऊँगा, इसकी तैयारी कर रहा हूँ। तब तक आप लोग MCQ टेस्ट सीरीज का जो वीडियो मैं प्रत्येक दिन 8:30 बजे अपलोड करता हूँ उसे अवश्य देखें। आप लोगों के उत्साह वर्धन के लिए इसमें मैं एक पुरस्कार भी रखा हूँ जो एक स्मार्टफोन है। इसमें प्रत्येक दिन एक प्रश्न दिया जाता है, उस प्रश्न का उत्तर आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखना होता है और जो आप लिखेंगे जिसका एग्ज़ाम तक में सबसे अधिक अंक आएगा उन्हें विनर माना जाएगा और उनको मैं एक स्मार्टफोन दूंगा। अभी जिन लोगों ने आंसर दिया है उनका एनालिसिस मैं करूंगा और आप लोग भी खुद कर सकते हैं, क्योंकि कमेंट वहां पर ये मेरे पास ना भेज करके आपका जो यूट्यूब का कमेंट बॉक्स होता है वहां पर है, तो आप लोग खुद वहां पर देख सकते हैं कि किसका राइट आंसर है, किसका रॉन्ग आंसर है, किसने पहले भेजा, किसने बाद में भेजा। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि इसे आप मिस नहीं करें। ये एक दिन में 10 क्वेश्चन, मतलब आपका यदि एग्ज़ाम 2 महीना बाद होता है तो 600 MCQ आपको करा दिया जाएगा। इसलिए 600 MCQ बहुत इजी वे में होगा, साथ में आपका उत्साह वर्धन भी होगा। प्रत्येक दिन आप उसको करेंगे तो निरंतर ये आपका प्रत्येक दिन करने की आदत हो जाएगी, इसलिए आपको मिस नहीं करें। हमें प्रत्येक दिन 8:30 याद रखें रात को, और नोटिफिकेशन पहुँचे या नहीं पहुँचे आप मोहन वर्मा लिख के सर्च कर सकते हैं और आपका मेरा चैनल आ जाएगा, उसमें आप उसको देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।